मेरे फाना तो बस तुम, और आज हम आपको मछली का स्केल रिमूव करके दिखाएंगे। ये हमारे पोखर की मछली है कि इसे आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे। पहले देखिए इसका इस तरह साइड से निकालेंगे। इस तरह कट करेंगे। ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी हम निकाल लें। बहुत स्लिप करती है इसे कट करने में, बहुत ही ध्यान से करें। किस तरह से निकालेंगे ताकि अंदर भी पूरा साफ हो जाए। और इसी तरीके से हम दूसरी मछली भी बनाएंगे।
ये देखिए पूरी बन के तैयार है। अब इसे हम धोएंगे, इसे इस तरह सिल पे रगड़ेंगे ताकि इसके ऊपर का जितना भी चरटा है वो सब ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए। देखिए इसी तरह से इसे रगड़ें। क्या नहीं है देखिए, अगर आपके पास सिल ना हो तो आप चाकू से इस तरह इसके ऊपर का निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह ये देखिए साफ हो गई। अब इसे हम अच्छे से धोएंगे, आप इसके अंदर का इस तरह निकालेंगे ताकि अंदर बिल्कुल भी गंदगी ना रहे, अच्छे से पूरी साफ हो जाए। साफ हो गया। अब इसके ऊपर नमक डाल के इसे रग रहेंगे अच्छे से ताकि मछली अच्छे से और साफ हो जाए। और अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे।
इसमें साफ हो गई है। जिंदी मछली को देखिए किस तरह से हम लोगों ने बनाया, बिल्कुल साफ हो गई है और ये पकने के लिए अब रेडी है। ये देखिए कितनी साफ है, ये बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरह बना सकते हैं, आपको हमने सिखा दिया इस तरह बनाए आप भी।